हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, प्लीज़ अपने कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो में सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स देखना चाहता हूँ। मैं इमेज डालता हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया भी इसका सेपरेट, जिसमें इमेज लीक हुई है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की, एक्सटीरियर लुक्स की, इंटीरियर की। तो प्लीज़ वो पिक्स मैं अभी यहाँ भी ऐड कर देता हूँ, आप प्लीज़ देख के बताइए आप सभी को कैसा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना रिव्यू दीजिए। मुझे तो भाई बहुत तगड़ी लगी, बहुत बेहतरीन रियर लुक। भाई रियर लुक का ही कंप्लेंट था ना सबसे ज़्यादा, टाटा ने क्या काम किया भाई रियर लुक में, बहुत जबरदस्त। फर्स्ट गियर बहुत धीरे हो गई थी ना, सेकंड गियर में नहीं उठाना चाहिए। अगर कार धीरे हो जाए तो 10 के आसपास आ जाए तो सेकंड गियर अवॉइड करो, फर्स्ट गियर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक क्लच प्लेट बचे, क्योंकि थोड़ा सा इंजन वाइब्रेट करता है, आप लोग सोचते हो कुछ नहीं होता लेकिन लॉन्ग पीरियड में जाके होता है। मैं तो हमेशा फर्स्ट गियर लगा देता हूँ भाई, आलसी पन नहीं करता इस चीज़ में। तो ये बोला था कि हाँ, तो आप सभी को कैसा लगा? मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी है भाई, इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त। एंड रही बात फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ, फर्स्ट गियर ब्रेकर, सॉरी यार इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा सा होता है ड्राइविंग टाइम में। मुझे वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए लेकिन मैं बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे इतनी पसंद आई वो नेक्सॉन। आप इमेजेस देखो भाई, क्या बेहतरीन रियर लुक है भाई। फ्रंट लुक भी अच्छा है, टाटा कब से इंस्पायर्ड है, फ्रंट लुक कुछ दिन पहले लीक हुआ था, अब रियर लुक भी लीक हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन। मतलब रियर लुक का जो डिज़ाइन है, लोग बोल रहे हैं कि i20 की कॉपी है भाई, i20 से लाख गुना अच्छी दिख रही है भाई। i20 कुछ भी नहीं, जेड टेल लैम्प आते हैं ना i20 में, इसमें तो जेड टाइप का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे, वाई टाइप लग रहा है मुझे, वाई मतलब वाई भी नहीं बोलोगे, गामा जैसा लग रहा है, कुछ डिफरेंट ही है लेकिन बहुत ज़बरदस्त भाई वो होता है लुक। टाटा तो आप जानते हो, अगर डिज़ाइन करने बैठे तो भाई क्या डिज़ाइन करता है, बिकॉज आप तो देख ही रहे हो। अल्ट्रोज मेरी अभी तक फेवरेट थी, जो कि अभी मैं चला रहा हूँ। हैरियर मेरी फेवरेट थी, सफारी भी फेवरेट है मेरी, कई लोगों को पसंद नहीं आती सफारी लेकिन वो भी अच्छी लगती है, बिकॉज हैरियर का एक्सटेंशन है तो थोड़ा सा वो लोग थोड़ा सा पीछे का अजीब टाइप दबा दिए, लेकिन इट लुक्स गुड, नो प्रॉब्लम। बट जो मेन चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्सॉन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करिए। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी, आप बताइए कमेंट करके कैसी लगी आप सभी को। मैं आपसे कमेंट जानना चाहता हूँ, अगर आप नेक्सॉन के लिए वेट कर रहे थे, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कार कैसी है, प्लीज कमेंट डाउन। ओके, आई विल रिप्लाई योर ऑल कमेंट्स। मैं सिर्फ कमेंट देखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एंड प्लीज अपने रिव्यू शेयर करिए टाटा नेक्सॉन जो न्यू आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक और चीज, उसमें 1.2 TGDI पेट्रोल इंजन आने वाला है, जो कि ऑलरेडी 1.2 का 3-सिलेंडर रेवेट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन चल रहा था, जो कि 120 PS एंड 170 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, राइट। बट नाउ 55 NM टॉर्क मोर एंड 5 PS पावर मोर, 125 PS प्रोड्यूस करेगा, मोर फ्यूल एफिशिएंट रहेगा। एक न्यू DCT गियर बॉक्स भी आ रहा है, वो भी रहेगा, एंड आपको 55 NM का टॉर्क भी ज़्यादा है। हाँ यस, 5 PS पावर भी, 125 PS एंड 225 NM का टॉर्क। सो प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, बाय।